देखिए भाजपा जब सत्ता में आई है एमसीडी के अंदर, पिछले 10 सालों से भाजपा सत्ता के अंदर बैठी हुई है, और बैठने के बाद भाजपा ने जो व्यापारी वर्ग है उसका जो बुरा हाल करा है सीलिंग के माध्यम से, ये लोग इनके निगम पार्षद, जो भाजपा के निगम पार्षद हैं, ये अपनी अवैध उगाहियों को बढ़ाने के लिए, अपनी सालाना इनकम को बढ़ाने के लिए ये लोग इस तरह का बोझ जनता के ऊपर डालते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी बता के उनको जनता को गुमराह किया जाता है, कन्वर्जन के नाम पर जनता गुमराह किया जाता है। आज कन्वर्जन की आप बात ले लीजिए, कन्वर्जन का जो एक्ट कहता है वो ये कहता है कि जो भी कन्वर्जन का पैसा आएगा वो उस मार्केट के विकास के अंदर लगेगा, लेकिन आज भाजपा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि 1,000 करोड़ रुपए जो इकट्ठा करा गया वो किस मद में, किस जगह पर, कौन सी जगह पर खर्च किया गया, इसका कोई जवाब भाजपा के पास आज नहीं है। कल सदन में आपने देखा, कल दोनों सदन हमारे लगे, इस दिल्ली में भी लगा, नॉर्थ में भी लगा, दोनों में वॉकआउट हुआ, दोनों में हंगामा किया हमने आम आदमी पार्टी में। सर ये भाजपा समझ ले, अपनी बात को अच्छी तरह दिमाग में घुसा ले कि आज विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस नहीं है, आज विपक्ष में बैठी हुई आम आदमी पार्टी है, और जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दे, व्यापारी के हितों जुड़े हुए जो भी मुद्दे होंगे आम आदमी पार्टी उसको बखूबी आगे भी रखेगी और उस लड़ाई को लड़ेगी भी। अगर सदन के अंदर की बात होगी सदन के अंदर लड़ेंगे, और सदन की बात होगी सड़कों पर लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी जानी जाती है, हम तो धरना पार्टी के नाम से फेमस है। सर हम सत्ता में इसलिए आए थे, हम लोग जनता की आवाज़ बन के, जनता के छोटे छोटे मुद्दों को उठा उठा के हम लोग सत्ता में पहुंचे हैं। हमने दिल्ली की जनता ने हमें यहाँ भेजा है, तो हम दिल्ली की जनता का शोषण बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो भाजपा का बिल्कुल एक वोटर है, व्यापारी जो वर्ग है उसके साथ भी अगर शोषण हो रहा है तो हम उसके साथ भी खड़े हैं, क्योंकि भाजपा को शोषण कर रही है, क्योंकि भाजपा को पैसे से मतलब है, भाजपा किसी की सीलिंग हो, दुकान बंद हो, धंधा बंद हो, भाजपा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज का जो माहौल है, एक जातीय स्तर पर भेदभाव किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार से लेकर और नीचे तक इस तरीके के जो रेड़ी पटरी लगाने वाले कौन लोग हैं, देखिए वही लोग हैं जो दलित कह लो, मजलूम कह लो, बहुजन समाज के लोग कह लो, इनके साथ में अत्याचार होता है। देखो एक बात आपको बताता हूँ, आपने दलितों की बात की है तो उसके मुद्दे पर आपको बता दूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश को एक सूत्र में पिरोने का सपना देखा था। बाबा साहब ने एक लॉ इस देश को दी थी, इस देश के युवाओं को एक दलितों को एक प्लेटफॉर्म दिया था जिस माध्यम को चलाने के लिए आज हम लोग सम्मान की जिंदगी यहाँ जी पा रहे हैं, इन सीटों पर जीत के हम लोग आ जाते हैं। बाबा साहब के सपने, उस सपना जो बाबा साहब ने उस टाइम देखा था, उस सपने को आज हम लोग पूरा कर रहे हैं यहाँ बैठ के, और उनका जो मिशन है हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो आपने बात बोली भेदभाव हो रहा है आज देश के अंदर, देश में वाकई में बहुत भेदभाव हो रहा है। आज कोई संविधान खत्म करने की बात करता है, कोई आरक्षण खत्म करने की बात करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता दें, जो लोग ये इंटरव्यू देखें, मैं उनको बता दूँ कि ये संविधान जो है ना बड़ी मेहनत से बाबा साहब ने बनाया है, कई देशों की स्टडी करने के बाद ही भारत का संविधान इतना मजबूत संविधान इस देश को आज दिया है बाबा साहब ने। क्या पूरे इसके प्रशंसा करता है, विश्व प्रशंसा करता है बाबा साहब के उस संविधान की, और जो हर चीज मतलब जो आज हम आज कर रहे हैं या 50 साल बाद करेंगे उस सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। खाली संशोधन करो और संविधान को आगे बढ़ाओ। बाबा साहब ने उस टाइम भी एक बात बोली थी कि अगर संविधान में अगर कुछ कमियां इसमें निकलती हैं तो संविधान में कमी नहीं होगी, इसको लागू करने वाले लोगों की नीयत में कमियां होंगी। तो आज जो लोग इंप्लीमेंट जो लोग इसको कर रहे हैं उनकी नीयत में खोट है। वो आज कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण किसी के बाप की जांगी थोड़ी ना, आरक्षण 5,000 साल की गुलामी का, गुलामी के बाद झेलने के बाद हम लोगों को आरक्षण दिया गया है। और ये जो हम लोग मुख्य धारा से अलग थे, हम एक मुख्य धारा जो है उससे हम अलग थे, हम लोग आज हम मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया गया है। 10 साल में अगर आरक्षण की समीक्षा की जानी थी तो क्यों नहीं कराई गई, क्यों नहीं देखा गया देश के अंदर कि क्या जो 10 साल के अंदर आरक्षण की समीक्षा होनी थी, क्या आज दलित उस स्थिति से ऊपर उठ पाया है या आज भी वही जिंदगी में सहारा है। अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली के अंदर भी बहुत शोषण है, और बाहर अगर आप यूपी गुजरात में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। और जो लोग इसके लिए बोलते हैं ना सर, उनको मुंह तोड़ जवाब दलित दे रहे हैं, वो जान जाए इस बात को कि आज दलित वो वाला दलित नहीं है, गुमराह होने वाला नहीं है। एक आपको शेर के माध्यम बता दूं, वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में डल गए थे, बाबा साहब तो वक्त का सांचा बदल गए थे। हम लोगों का सांचा आज बदल चुका है, हम लोग अपनी जो हमारा हम लोगों के अधिकार हैं हम उनके प्रति जागरूक हैं, और अपने अधिकारों को छीनने के लिए हम बैठे हुए हैं, चाहे हमें जैसे भी छीनना पड़े, हमें सत्ता छीननी पड़े हम उसको भी छीनेंगे, हमें अपने अधिकार लेने के लिए किसी से भी लड़ना पड़े हम उस लड़ाई को पूरी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी अधिकतर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो दलित का शोषण होगा। देखिए जहाँ प्राइवेटाइजेशन की बात होगी वहाँ दलित का शोषण होगा, वहाँ गरीब का शोषण होगा, वहाँ दबे कुचले इंसान का शोषण होगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो जन्म है वो दिया इसलिए जाता है। ठीक है, आप किसी चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो आज मान लीजिए आप 4th क्लास की नौकरी में आज डायरेक्ट नहीं है, क्यों बंद की गई, क्योंकि वहाँ से दलित मजबूत हो रहा था। जो आज वहाँ हमें कई जगह पर आप देखा होगा आरक्षण बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ दलित मजबूत हो रहा था। इन लोगों का दिखने लगा कि ये लोग दलित मजबूत होने लगे, ये लोग अच्छी अच्छी नौकरियों में जाने लगे हैं, ये राजनीति में भागीदारी मांगने की बात करने लगे हैं। आज इनका समाज एकत्र हो गया है, हम लोग एकत्रित हो गए हैं, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो इस लड़ाई को हम आगे तक लड़ेंगे। और जो प्राइवेटाइजेशन की बात है इसको तो हम अभी अब 4 अप्रैल को हम एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं इसके खिलाफ रामलीला मैदान के अंदर। अब क्या रामलीला मैदान में पूरा देश का दबा कुचला लोग, शोषित वर्ग जो है
है जो इससे प्राइवेट परेशान है, फोर्थ क्लास की नौकरियों से परेशान है, वो सारा वहाँ इकट्ठा होगा और करीबन लाख दो लाख की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे होंगे अब की बार रामलीला मैदान में। इन्हें वहाँ चेता देंगे हम लोग कि आज दलित जो है, आज जो वर्ग है, जो दबागुस्ता वर्ग है, जो गरीब है, आज वो आपसे बैठने वाला नहीं है, वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। आज इस देश में सर ये वाला माहौल बनाया जा चुका है कि अगर कोई भाजपा के विरोध में बोलेगा तो वो हिंदू नहीं है, ये वाला विरोध बना दिया गया है, कोई आरएसएस का वो नहीं है तो देशभक्त नहीं है। तो आज ये वाला माहौल इस देश में खड़ा कर दिया गया है। इस माहौल को निकलने की हमें ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है, सारे लोग एक साथ खड़े हों, सारे देश का दबा गुस्सा समाज एक साथ खड़ा हो, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े लड़ाई करें और हम जीत के आएंगे लड़ाई लड़के। आवाम से यही अपील है कि साथियों तुमने बहुत सा गुलामी की ज़िंदगी गुजार ली है, आप अपनी जो हम लोगों को खाली हम तो उनको गुलामी का एहसास दिला सकते हैं, बाबा साहब ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो वो अपनी जंजीरें खुद तोड़ लेंगे, तो हम तो उन्हें एहसास कराएंगे खाली कि भाई आप आज गुलामी के फंदे में फंसे हुए हो, अगर आज आप नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये देश मनुस्मृति चलेगा, जब ये देश का संविधान मनुस्मृति होगा वो दिन दूर नहीं है। अगर आप उस दिन को नहीं देखना चाहते और अपने संविधान को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर संविधान जिंदा है तो हम लोग जिंदा, संविधान मर जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे, और इस देश में आज वही नियत पे उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे लोग चल रहे हैं। हमें उस संविधान को बचाना होगा, अपने अधिकारों को बचाना होगा, और उसको बचाने के लिए मेरा यही है कि जितने युवा वर्ग हैं, जितने लोग हैं, वो आज एक प्लेटफॉर्म पे आए और इस लड़ाई को लड़ें, एक से कंधे से कंधा मिला के आज जागने का वक्त है।